नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। 9:09 पीएम मोदी की मुहिम में देशवासी एकजुट, हर घर दिए से रोशन। पीएम मोदी की मुहिम में देशवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर ठीक रात 9:09 के लिए घरों की लाइट बुझाकर और मोमबत्ती दिए, मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर एकजुटता का परिचय दिया है। घर घर में ऐसा नजारा दिखा जब हर किसी ने अपने घरों की लाइटें बुझाकर दिए मोमबत्ती की रोशनी की है। पीएम मोदी की दिया जलाओ अपील को मिला बॉलीवुड के सितारों का साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में इस संकट की घड़ी में एक साथ रहने की अपील करते हुए एक नई रोशनी उजागर करने की बात कही। पीएम मोदी ने 5 अप्रैल को रात 9:09 के लिए दिया, टॉर्च या मोबाइल के फ्लैश लाइट जलाने का आग्रह किया। पीएम मोदी की इस अपील को बॉलीवुड सितारों का भी साथ मिला है। पीएम मोदी की अपील पर हर शहर हर घर तैयार, घरों में जग गए उम्मीदों के दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने घरों में रविवार को रात ठीक 9:09 तक घरों में दिए, मोमबत्ती व मोबाइल की टॉर्च जलाकर संकल्प लिया है। मेरठ में लोगों ने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। शहर में देखने को मिला कि कई घरों में 9 बजे से पहले ही दिए जल गए। उत्तर प्रदेश के बागपत शहर में भी दिखा कुछ इस तरीके का नजारा। 15 अप्रैल को खत्म होगा लॉकडाउन, अब भीड़ एकत्र होने से रोकने की जरूरत, मुख्यमंत्री योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन 15 अप्रैल को खुलेगा, जिसके बाद भीड़ को एकत्र होने से रोकने के लिए एक व्यवस्था बनाए जाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मंत्रियों व सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन के खुलने पर अगर भीड़ एकत्र होनी शुरू हो गई तो संक्रमण रोकने के लिए किए गए हमारे सारे प्रयासों पर पानी फिर जाएगा। लखनऊ में 7 नए मामले मिले, कई इलाकों को किया गया सील। राजधानी लखनऊ में 7 नए मामलों के चलते शहर के कई इलाकों को सील कर दिया गया है। नए मामलों को मिलाकर लखनऊ में मरीजों की कुल संख्या 30 हो गई है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए शहर के कैसरबाग, तालकटोरा, सादतगंज, वजीरगंज के कुछ हिस्सों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा तालकटोरा के लाल मस्जिद और पीर बख्श मस्जिद के आसपास का इलाका, कैसरबाग में रहमानिया मस्जिद और फूलबाग मस्जिद के आसपास का इलाका व वजीरगंज में मोहम्मदी मस्जिद के आसपास का इलाका सील कर दिया गया है। बता दें कि कैंट स्थित अलीजान मस्जिद से मिले 12 जमातियों को पॉजिटिव निकलने के बाद अन्य जमातियों समेत उनके संपर्क में आए 80 लोग शहर के मस्जिदों में मिले हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इनमें गुड़म्बा की मस्जिद में ठहरे, दिल्ली के 17 मरियाओं की मस्जिद में रह रहे असम के 6 जमाती शामिल हैं। कैंट से मिले सहारनपुर के जमातियों के संपर्क में आए 10 लोगों की सैंपलिंग कर उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। समझाने मनाने का दौर खत्म, अब चला सख्ती का डंडा। क्वारंटीन सेंटरों से भागते लोग, सामूहिक नमाज की कोशिश रोकने वाली पुलिस पर पथराव तो लॉकडाउन तोड़कर भीड़ जुटाने की कोशिश, ऐसे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। समझाने और मनाने के मूड में नहीं है सरकार। लापरवाही पर जहां पुलिस और अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, वहीं गलती करने वाली पब्लिक भी निशाने पर है। लगातार रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। कानपुर देहात में बाहरी युवकों की सूचना न देने पर मकान मालिक पर रिपोर्ट दर्ज। अकबरपुर कस्बे में शुक्रवार शाम को एक मकान मालिक ने जम्मू और मुरादाबाद के 12 युवक मिले थे। थर्मल जांच व सैनिटाइजेशन के साथ सभी को होम क्वारंटीन किया गया था। रुके युवकों की सूचना न देने पर शनिवार को पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। कृपया लाठी चार्ज न करें, मां की दवा लेने जा रहा हूं। पुलिस के डर से बाइक पर पर्चा चिपका कर हरिद्वार पहुंचा युवक। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लॉकडाउन के बीच रविवार को एक अनोखा मामला सामने आया। यहां एक युवक ने पुलिस के डर से अपनी स्कूटी पर एक पर्चा चिपका लिया, जिस पर लिखा था, कृपया लाठी चार्ज न करें, मां की दवाई लेने जा रहा हूं। पुलिस की सख्ती से बचने के लिए युवक की यह तरकीब काम आई और वह अपनी मां की दवा लेने के लिए सकुशल पहुंच गया। वहीं युवक से ऐसा करने के बाद उसकी तस्वीरें काफी वायरल हो रही है। लॉकडाउन के दौरान सहारनपुर के लक्सर निवासी
अनिल गुप्ता को अपनी माँ की दवा लेने के लिए हरिद्वार जाना था, लेकिन बॉर्डर सील होने के कारण दवा लेकर आना संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में युवक ने हरिद्वार के डीएम कार्यालय में फोन करके पूछा कि उसकी माँ की दवा खत्म हो गई है और उसे दवा लेने शहर जाना है, लेकिन पुलिस बॉर्डर क्रॉस करने वालों पर लाठीचार्ज कर रही है, ऐसे में वह क्या करे। डीएम कार्यालय से युवक को सलाह दी गई कि वह एक पर्चे पर लिख ले कि लाठीचार्ज न किया जाए, माँ की दवा लेने जा रहा हूँ। वायरस चिपकने के डर से दरोगा सहित 75 पुलिस कर्मियों ने करा लिया मुंडन। बढ़ते मामलों के साथ लॉकडाउन में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मी भी इससे अछूते नहीं है। आगरा जिले के थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस ने बालों में वायरस चिपकने के डर से मुंडन करा लिया है। रविवार को इंस्पेक्टर सहित 75 पुलिस कर्मी मुंडन कराने के बाद गश्त पर निकले तो लोग हैरान रह गए। संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर सील हुए कई इलाके, ड्रोन से निगरानी, जानकारी छिपाने पर रास्का। कानपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। बीमारी छिपाने, विदेशी दौरे या जमात में शामिल होने की जानकारी छिपाने पर पुलिस महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के साथ रासुका लगाएगी। मैनपुरी में 3 जमाती प्राथमिक जांच में मिले संक्रमित, कस्बा घिघोर की सीमाएं सील। मैनपुरी जिले में शामली से आए 3 जमाती प्राथमिक जांच में संक्रमित पाए गए हैं। इसकी पुष्टि करते हुए जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 3 जमातियों में लक्षण मिले हैं, अभी इसकी जांच चल रही है। कस्बा घिघोर में मिले 10 जमातियों को 2 अप्रैल को घिघोर के क्वारंटीन सेंटर भेजा गया था। वहां इसके सैंपल जांच के लिए शुक्रवार रात मेडिकल कॉलेज सैफई भेजे गए थे। इनमें से 9 की रिपोर्ट रविवार को आई। प्राथमिक जांच में 3 जमातियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये जमाती 1 मार्च को शामली से चले थे और 2 मार्च को मैनपुरी के शाही मस्जिद पहुंचे थे। कानपुर में एक और जमाती पॉजिटिव, अब तक तबलीगी जमात में 7 लोगों की हुई संक्रमण की पुष्टि। कानपुर में तबलीगी जमात के एक और सदस्य की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रविवार सुबह रिपोर्ट आते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जमातों को रामा मेडिकल अस्पताल में क्वारंटीन हाउस से निकालकर सीएचसी सरसौल में भर्ती करा दिया। प्रियंका गांधी की पहल पर यूपी कांग्रेस कार्यालय में भी शुरू हुई साझा रसोई, गरीबों को दिया जा रहा भोजन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की पहल पर लॉकडाउन के दौरान गरीबों तक खाना पहुंचाने के लिए यूपी कांग्रेस कार्यालय में साझा रसोई की शुरुआत की गई है। प्रदेश में कई जिलों में भी कांग्रेस कार्यकर्ता और जिला कमेटियां साझा रसोई घर संचालित कर रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता इस संकट काल में आम लोगों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर व नर्स हमारे योद्धा, सरकार इन्हें हर तरह की मदद उपलब्ध कराए, प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जंग लड़ रहे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन व सफाई कर्मी हमारे योद्धा हैं। वो अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहे हैं। उनकी मदद करना और उनके परिवारों को सुरक्षित रखना हम सबका फर्ज है। उन्होंने वी आर प्राउड ऑफ यू हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए किए गए अपने ट्वीट में लोगों से इस जंगबाज योद्धाओं को संदेश भेजने की अपील की है और खुद भी वीडियो संदेश पोस्ट किया। 700 किलोमीटर का पैदल सफर, सिर पर आग उगलता सूरज और धधकती जमीन, घर पहुंचने की चाह में ये सब कुछ भूल गए ये लोग। खाने को नहीं है, पैसा भी खत्म हो गया है। रविवार को गाजियाबाद से प्रयागराज के लिए पैदल सफर पर निकले 5 मजदूर कानपुर पहुंचे। बताया 1 सप्ताह पहले निकले थे और आज कानपुर पहुंचे हैं। बोले हम लोगों के पास खाने को कुछ बचा नहीं था, जो रुपए थे वो भी 1 हफ्ते में खत्म हो गए। घर आने का भी कोई साधन नहीं था तो हम सभी ने पैदल ही घर पहुँचने का निर्णय लिया। हम लोग 1 हफ्ते से पैदल चल रहे हैं, ऐसी चिलचिलाती धूप में पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन घर पहुंचना है तो मजबूरी में चलना पड़ रहा है। हालांकि रास्ते में पुलिस ने पूछताछ के लिए कई जगहों पर रोका और खाना भी खिलाया, जिससे कुछ सुकून मिल जाता है। इस वक्त हिंदू मुस्लिम नहीं एकजुटता की राजनीति करें, देवबंदी उलमा। हजरत निजामुद्दीन मरकज प्रकरण को तूल दिए जाने पर उलमा ने कड़ी नाराजगी जताई है। उलमा का कहना है कि यह समय हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का नहीं है, बल्कि एकजुट होकर डट कर मुकाबला करने का है। मदरसा जामिया शेखुल हिंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि अफसोस की बात है कि राजनीति करने वाले इस संकट को भी हिंदू मुस्लिम की शक्ल दे दी, यह सरासर जुल्म है। अखिलेश यादव का आरोप, डॉक्टरों के पास न तो पर्याप्त टेस्टिंग किट और न ही पीपीई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के पास न तो पर्याप्त टेस्टिंग किट है और न ही पर्याप्त संख्या में पीपीई है, यहाँ तक कि गरीबों को खिलाने के लिए भोजन भी नहीं है। यही हमारे सामने आज प्रमुख चुनौतियां हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में
पीडब्ल्यूडी की कम्युनिटी किचन सेवा शुरू, निगरानी व संचालन के लिए नोडल अफसर तैनात। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल पर लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने देश के सभी जिलों में कम्युनिटी किचन की शुरुआत कर दी है। जिलों के गेस्ट हाउस में जन सहयोग से संचालित कम्युनिटी किचन सेंटर में रोज कमाने खाने वाले लोगों को तैयार भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों को आटा, चावल, मसाले, आलू, लैया चना, सत्तू आदि के पैकेट भी दिए जा रहे हैं। मेरठ विधायक संगीत सोम की बड़ी पहल, 1,00,000 परिवारों के घरों तक पहुंचाएंगे महीने भर का राशन। 22 सेक्टर में बांटा गया विधानसभा क्षेत्र। भाजपा के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले विधायक संगीत सोम ने सरधना विधानसभा क्षेत्र में 1,00,000 परिवारों को एक माह का राशन उनके घरों तक पहुंचाने का संकल्प लिया था, जिसके बाद रविवार को इस पर काम शुरू कर दिया गया है। वहीं क्षेत्र के किसी जनप्रतिनिधि द्वारा की जाने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी मदद कही जा रही है। रविवार को सरधना विधानसभा क्षेत्र में अपने आवास पर विधायक संगीत सोम ने एक टीम बनाकर लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने की इस योजना की शुरुआत की है। बरेली जोन में सैकड़ों जमाती छुपे होने की आशंका, अब एसटीएफ और आईबी करेगी जांच। खुफिया इनपुट मिलने के बाद तबलीगी जमात से बरेली और कई जिलों के लोग नए सिरे से जांच होगी। तबलीगी मरकज से मिली सूचनाओं के आधार पर शासन की ओर से पहले यूपी के सिर्फ 157 लोगों की सूची जारी की गई थी, लेकिन अब कई और सूची जारी कर एसटीएफ और आईबी को जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। नई सूची में शामिल नाम पतों की पूरी तरह पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि बरेली जोन के जिले में कई जमाती अब तक छिपे हो सकते हैं। एडीजी अविनाश चंद्र ने शनिवार को बताया कि जोन के सभी जिलों में जमातियों की तलाश जारी है और इन्हें खोजकर स्वास्थ्य विभाग के हवाले करने का निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया इलाज, बेटियों ने पिता की अर्थी को दिया कंधा। लॉकडाउन संक्रमण से लड़ने में जितना असरदार है, उतना ही लोगों के जीवन पर भारी भी पड़ रहा है। अलीगढ़ में लॉकडाउन के कारण शनिवार को एक ऐसा वाकया सामने आया जिसे देखकर हर किसी के आंसू छलक पड़े। थाना बन्ना देवी की नुमाइश मैदान निवासी चाय वाले संजय कुमार को टीवी की बीमारी थी। लॉकडाउन के कारण उसे उचित इलाज नहीं मिल पाया, जिसके कारण शनिवार को उसकी मौत हो गई। संजय की 5 बेटियां हैं। संकट की इस घड़ी में इन बेटियों ने बेटों का फर्ज निभाया और पिता की अर्थी को खुद ही कंधा देकर अंतिम संस्कार किया। बेटियों के कंधे पर पिता की अर्थी देखकर सभी की आंखें नम हो गई। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त हम भी देश के सैनिक हैं। रेलवे कर्मियों ने बताया 24 घंटे काम कर रहे हैं। देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन की अवधि तक सवारी ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है, मगर इसी रेल विभाग में अभी भी मालगाड़ियों का संचालन कर रहे कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो देश की सेवा में लगे हुए हैं। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से कोयला लदी मालगाड़ी को दिल्ली की ओर लेकर जा रहे लोको पायलट सुदर्शन कुमार ने बताया कि वह NCR डिवीजन में तैनात है, मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। वहीं उनके साथी सह लोको पायलट उमेश कुमार ने बताया कि वह अलीगढ़ के सासनी गेट के रहने वाले हैं, वर्तमान में NCR डिवीजन में ही तैनात है। मालगाड़ियों का संचालन इस समय बहुत आवश्यक है। उमेश कहते हैं कि हम प्रतिदिन 10 से 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, समय से मालगाड़ियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। ट्रकों के बंद होने के बाद मालगाड़ियों से ही खाद्य पदार्थ और कोयला देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहा है। अगर खाद्य पदार्थ इस वक्त समय से नहीं पहुंचे तो देश के लाखों लोगों को भूखा रहना पड़ सकता है, इसलिए हम पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। मुरादाबाद, जमातियों की मनमानी से अस्पताल कर्मचारी परेशान, खाने में मांग रहे हैं हैदराबादी बिरयानी। गाजियाबाद और झांसी के बाद अब मुरादाबाद के नर्मदा हॉस्टल और जिला अस्पताल में क्वारंटीन जमातियों की भी शिकायतें सामने आ रही है। अस्पताल कर्मचारियों का कहना है कि जमाती उनकी बात नहीं मान रहे हैं और अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। 20 जमातियों को हॉस्टल और जिला अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। इनमें मलेशिया के 8 जमातियों ने अस्पताल कर्मचारियों को परेशान कर दिया है। एक जमाती ने तो कई बार हॉस्टल से भागने की भी कोशिश की। इसके बाद हॉस्टल के बाहर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। क्वारंटीन वार्डों में महिला नर्सों को हटाकर पुरुषों की ड्यूटी लगा दी गई है। अस्पताल कर्मचारियों का कहना है कि जमाती बीच बीच में हैदराबादी बिरयानी की मांग करने लगे हैं, लेकिन भूख लगने पर रोटी सब्जी और दाल चावल पर टूट पड़ते हैं। मालूम हो कि निजामुद्दीन मरकज से लौटने वाले जमातियों की देश भर में धरपकड़ के बाद उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। मुरादाबाद में भी बुधवार को 68 जमातियों को पुलिस ने दबोचा और नर्मदा हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया है। दवा के लिए नहीं भटकेंगे पेंशनर, घर बैठे होगा कार्ड का नवीनीकरण। लॉकडाउन में फंसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम
से जुड़े केंद्रीय पेंशनों और उनके आश्रितों के लिए राहत वाली खबर है। जिन पेंशनों के कार्ड की वैधता 31 मार्च को समाप्त हो गई है, वे घर बैठे अपने कार्ड का नवीनीकरण करा सकते हैं। साथ ही जो कर्मचारी 31 मार्च को रिटायर हो चुके हैं और पेंशनर के रूप में सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें भी नए पेंशनर कार्ड के लिए भटकना नहीं होगा। योगी सरकार के मंत्री भी कर रहे हैं महाराष्ट्र के यूपी वालों की मदद। इस वैश्विक संकट में लॉकडाउन के चलते व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उद्योग धंधे और परिवहन सेवाएं बुरी तरह से ठप है। लॉकडाउन में फंसे बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में फंसे उत्तर प्रदेश के लोग अपने मूल क्षेत्र के मंत्रियों व विधायकों से मदद की गुहार लगा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मंत्री लखनऊ से ही महाराष्ट्र में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा की ओर से महाराष्ट्र में प्रत्येक जिले में आपदा प्रबंधन केंद्र खोला गया है। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस खुद इस आपदा प्रबंधन केंद्र की समीक्षा कर रहे हैं। मुंबई सहित महाराष्ट्र में लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों को भाजपा कार्यकर्ता काफी मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान स्कूलों ने मांगी फीस तो होगी कड़ी कार्रवाई। नोएडा के कुछ स्कूलों की ओर से अभिभावकों से फीस मांगी जा रही है। वहीं कुछ स्कूल की शिकायतें मिल रही है कि वह फीस बढ़ाकर मांग रहे हैं। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने सभी स्कूलों के लॉकडाउन के दौरान फीस नहीं मांगने के निर्देश दिए हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए को निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि बीएसए और आईसीएसई की ओर से दिशा निर्देश आए हैं। इसके अलावा आपदा अधिनियम घोषित हो चुका है, इसलिए स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि 14 अप्रैल तक फीस न मांगी जाए। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुँच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।